आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ स्मार्ट वॉच का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। देख सकते हो स्मार्ट वॉच का बॉक्स, और जब मैंने इसको खरीदा तब इसका प्राइस सिर्फ 500 रुपया लिया था, अमेजन से मैंने परचेस किया था, और अभी इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है लॉकडाउन के कारण, तो कोविड के कारण आप देख सकते हैं। तो पीछे का सब क्या देखेंगे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्या क्या फीचर है मैं जानता हूँ, इससे अच्छा गाइड क्या बोलेगा मुझे। तो यहाँ पर ये रहा स्मार्ट वॉच। पहले आपको स्मार्ट वॉच ऐसे करके कुछ देखने को मिलता है, वो बहुत ही ओल्ड फैशन स्टाइल का मिलता है, और ऐसे भी 500 रुपया में इससे बढ़िया आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो आप बाद में आते हैं, पहले मैं आपको बॉक्स कंटेंट क्या दिखा देता हूँ उसके बाद। तो ये सब आपको सब फालतू का चीज़ मिलता है, और इधर एक USB केबल देखने को मिलता है, जो केबल कोई काम का नहीं है। इस केबल इतना छोटा है जो चार्ज भी नहीं होता अच्छे से, तो इसलिए मोबाइल का केबल यूज़ करना पड़ता है। और एक फालतू का यूज़र गाइड जो कोई काम का नहीं है, कोई पढ़ता नहीं, सच में बता रहा हूँ, ये फालतू एकदम, इसलिए देता है क्या पता। तो यहाँ पर आप चलिए बात करते हैं डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के बारे में, और उससे पहले एक बार केबल को मैं आपको दिखाता हूँ। केबल का साइज़ आप अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा है छोटा सा, एकदम छोटा सा प्यारा सा केबल आपको ऐसा करके देखने को मिलता है। केबल वेबल छोड़िए आप, अब ये रहा स्मार्ट वॉच। तो चलिए मैं आपको बूट करके दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये खोल लेता हूँ। और ये पूरा प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, रबर का बना हुआ है, और नॉर्मली कंफर्टेबल है, मैं यूज़ कर रहा था ठीक ठाक ये, पर इसका डिसएडवांटेज वो सब मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो। तो चलिए स्मार्ट वॉच को बूट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बूट होने का फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा, पर ऐसा करके आप कुछ देखने को मिलता है। इंटरफेस देख सकते हैं, कुछ कार्टूनिश टाइप का है, पुराना ओल्ड फैशन टाइप का है, पर जब पहली बार आप ओपन करते हैं कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है। तो आपको ऐसे देखने को मिलता है, यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐप्स आपको देखने को मिलता है। ऐप्स मतलब यहाँ पर प्रीबिल्ड जो ऐप्स आपको देखने को मिलता है, वही यहाँ पर एक्स्ट्रा से आप कोई भी इंस्टॉल नहीं कर सकते ऐप्स। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐप्स देखने को मिलता है, अगर मैं एक एक करके सबको दिखाने जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मेन फीचर आपको मैं दिखाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप वॉल्यूम, उसके बाद ब्राइटनेस, क्लॉक, अगर मैं आपको क्लॉक की बात करूँ, चलिए मैं आपको क्लॉक चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे करके आप क्लॉक चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लॉक का बहुत सारा फीचर है। यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं बाय द वे, जैसे ब्लूटूथ ईयरफोन होता है वैसे यहाँ पर भी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है अपने मोबाइल से, और कोई भी अगर कॉल होता है डायरेक्टली यहाँ पर कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, और यहाँ पर नंबर डायल करके उसके बाद कॉल में क्लिक करते हैं। यहाँ पर दिखा रहे प्लीज़ कनेक्ट टू BT, मतलब ब्लूटूथ, छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पर जो मुझे जो अच्छा लगा, यहाँ पर एक अच्छा चीज़ है, वो है पेडोमीटर। अब पेडोमीटर में आप डायरेक्टली अपना स्टेप्स काउंट करते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक ही देता है। वहाँ पर स्टॉप वॉच भी मिलता है, उसके बाद कैलकुलेटर मिलता है, दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। एग्जाम में लेकर चीट भी कर सकते हैं अच्छे से, पर इतना छोटा स्क्रीन है, चीट करने टाइम जाएंगे तो एग्जाम में एकदम टीचर से मार खा जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कैमरा मिलता है, आप सोचेंगे कैमरा कहाँ पर, कैमरा यहाँ पर कोई भी कैमरा, हिडन कैमरा, कहीं पर भी कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ। तो आप कैसे कैमरा कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर एक जो सेटिंग है ये है, मोबाइल से पहले आपको कनेक्ट कर लेना पड़ेगा कैमरा को, इस मतलब वॉच को कनेक्ट करने के बाद मोबाइल का कैमरा को यहाँ पर डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब मोबाइल को टच भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कौन आपका मोबाइल टच करे सब कुछ, ये बहुत मुझे बढ़िया। तो आप बात करते पीछे का टाइप, पीछे आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है, कोई यहाँ पर आप सिम विम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, साइड में ऑन ऑफ बटन, पावर ऑन ऑफ बटन, यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फोकस हो जा। तो यहाँ पर एक USB लगाने के लिए, चार्जिंग के लिए एक पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर छोटा सा एकदम स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं स्पीकर में आपको उतना भी यहाँ पर अच्छे से सुनाई नहीं देता, और यहाँ पर जो बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन आपका रहेगा मैक्सिमम। नॉर्मली ये स्मार्ट वॉच सब कुछ ठीक है, अगर आपको कम प्राइस में मिल जाता है तो आप यूज़ कर सकते, और अगर आप देखना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करता खरीदने के लिए, तब भी अगर आप करना चाहते हैं कम प्राइस में आपको मिल जाता है तो खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और एक बात, यहाँ पर कोई आपको ऑक्सीजन मीटर, उसके बाद ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ नहीं मिलता, कि नॉर्मल एक बेसिक सा स्मार्ट वॉच है, बहुत दिन पहले का स्मार्ट वॉच, पर अभी का मॉडर्न स्मार्ट वॉच हो गया। अभी बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, पर इतना ही। अगर